chicos, tú no hay para ti. Ready, ready. Actually, you are doing from that. चलो प्रार्थना करते yes. स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद देते प्रभु ऐसा शिलांग के प्रभु नागापे मिनिस्ट्रीज में तुम्हें कराया प्रभु इस चर्च के नौजवानों से मिलने के लिए तुमने अनुग्रह दिया तू फजल दिया तेरे धन्यवाद अभी ये यूथ के साथ बात करते समय में पवित्र आत्मा आप अनुग्रह चाहते हैं प्रभु आप बात करें लोगों को प्रभु आप लोगों के दिलों में बात करें और ताकि उनके आत्मिक जीवन का उन्नति हो हमारे बीच में आपका पुत्र यीशु मसीह का नाम को महिमा पाए एक एक को तेरे हाथ में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ ठीक है मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरा जीवन का अनुभव भी बोलता हूँ ठीक है एक ही एक चीज है जो जाने के पास नहीं आती जवानी एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए सही है ना वो उसमें क्या कह रहा था वो कि जवानी जाएगा तो नहीं आएगा इसी तरह जिंदगी भी एक ही बार का है जिंदगी एक बार अगर हाथ से गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा समय भी ऐसा ही है एक बार गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा आप इस दुनिया में हर चीज खरीद सकते इवन इंसानों को भी खरीद सकते एक चीज जो नहीं खरीद सकता वो है समय आमेन यस इसलिए कहावत है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन इसका मतलब समय और लहर किसी के लिए रुकता जाता है आप अगर चाहोगे मैं भी अभी चाहता हूँ अरे मैं बच्चा बन के फिर जाके खेलना है हो जाता है फिर भी मैं मेरे घर के सामने जो बच्चे हैं उनके साथ कांचा खेलता हूँ लेकिन आप बड़ा होके खेल रहे हो ना लेकिन वो बच्चा वाले हालत में तो नहीं खेलूंगा उसमें कोई टेंशन नहीं खाना कहाँ से आएगा कपड़ा कहाँ से कोई टेंशन रहता है खाया पिया कुछ आइसक्रीम मिल गया तो खुश होगा फिर सो गया बस खेलते रहते कोई टेंशन है इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समय जो बीत गया फिर वापस नहीं आया मैं अभी भी पछता रहा हूँ मैं 20 साल देश सेवा किया मैं इंडियन एयरफोर्स में काम किया आई सर्व्ड इन इंडियन एयरफोर्स फॉर 20 इयर्स भारतीय वायुसेना में मैं 20 साल काम किया मैं रोता हूँ काश वो 20 साल मैं परमेश्वर के लिए काम करता था कितना अच्छा था मैं परसों भी बोलते हुए रो रहा था वो समय जो गए वापस तो नहीं आएगा ना क्योंकि जवानी में जो ताकत रहता है वो बुढ़ापे में नहीं रहता आपको पता ही है हमारा पापा लोगों को भी देखते जैसे हमारा रिश्तेदार को जैसे समय बीतता जाता है जवानी से थोड़ा थोड़ा 20 से 30, 30 से 40 होते थे ताकत बढ़ता है या घटता है मुंह बंद क्यों है भाई बोलो मारूंगा मैं बहुत मैं मारता भी हूँ आप लोग बोलो ये कौन सा पाचन मेरे पास कोई प्यार भी नहीं चाटा मारता बहुत खूब मारता ठीक है इसलिए मैं पूछूंगा तो जल्दी बोलना ताकत बढ़ता है या घटता है घटता है अभी जब ताकत है तभी ना कुछ काम कर सकते इसलिए वचन में लिखा है जवानी के समय में परमेश्वर का जुआ लेना बहुत ही धन्य का विषय आमेन परमेश्वर जवानों को नौजवानों को चाहता है फिर नौजवानों के साथ एक प्रॉब्लम है उनको तो संसार की अभिलाषा इच्छा भी आती है अरे मेरे प्यारो नौजवानों को नहीं ये सारे मनुष्य जाति का प्रॉब्लम है तुम क्या समझ रहे हो बुढ़ा को नहीं आता आप बसेस में देखना बुड्ढा भी ऐसा नौजवान के लड़के से जाते हैं ऐसे करके मैं सच्चाई बता रहा हूँ आप चाहे तो मैं ले जाके दिखा सकता हूँ भाई ओपनली क्यों बोल रहा हूँ जो सच्चाई है सच बोलना है बुड्ढा भी ऐसे बोलते रहते क्यों उनके अंदर बेशक ताकत नहीं है शरीर में लेकिन मन में तो पाप है ना है कि नहीं आपको बेशक बीमार होगा बेशक बुखार आ रहा होगा लेकिन मोबाइल में क्या क्या देख रहे हो समझ रहे ना तो इसमें ध्यान रखना हमारा जीवन को तो भाई कहने का क्या तात्पर्य है पाप हमारे अंदर तो है ही है तो हमारे लड़ाई पाप से है
तो ये पाप को कैसे जीतना, इसलिए प्रभु बोला है हमारे शरीर में ये लड़ाई को प्रभु खुद डाला है। हमारा शरीर में ये लड़ाई, पाप के अगेंस्ट में लड़ाई प्रभु खुद अनुमति दिया है। अच्छी तरह से ध्यान से सुना, गॉड इज स्पीकिंग टू यू टुडे, राइट? हेवनली गॉड इज स्पीकिंग टू यू टुडे। आमेन। बहुत ध्यान से सुना, मैं भी बचपन में, मैं भी नौजवानी की हालत में, मैं अपना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पवित्र आत्मा गवाह है, मैं नौजवानी की हालत में मैं प्रभु से बोलता था, प्रभु मेरे अंगों को काट दे, मेरे अंगों को निकाल दे, ये प्रार्थना किया था। क्यों? क्योंकि मैं लड़कियों को देख के मुझे आकर्षण होता था, मैं देखता था, मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैं बोलता था वचन में लिखा ना, अगर तू, तेरा कोई अंग तुझे अगर रोकता है तो उसको अंग को फेंक दो, क्योंकि एक अंग से स्वर्ग जाने से अच्छा। वो वचन को अनजाने में ऐसे समझ के प्रार्थना करता, प्रभु मेरे अंग को फोड़ दे, क्योंकि मैं पाप नहीं करना चाहता। मैं रोता था लेकिन फिर भी चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, फिर जाके जाके फिर भी पाप हो रहा था। मैं सोचता था अच्छा रहूं। आज भी बोले ना, शरीर आत्मा का और आत्मा का विरुद्ध, शरीर के विरुद्ध आत्मा और आत्मा का विरुद्ध शरीर लालसा करता है, ये एक दूसरे के विरुद्ध है करके वचन में लिखा है। निकल के गलतियों की पत्री में थोड़ा पढ़े। थैंक यू जीसस, ब्लेस यू योर नेम। गलतियों की पत्री 5:17 पढ़िएगा। कोई बातें नहीं करेगा, ध्यान से सुनो। मैं बोला पहले मारूंगा, मैं सच में मारूंगा। हम अभी परमेश्वर की उपस्थिति में, बेशक ऐसे बैठे उल्टे सीधे, लेकिन जो है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। ध्यान से सुना, कुछ ही समय आपका लूंगा, छोड़ दूंगा, मैं बड़ा प्रचार लंबा नहीं करूंगा, कुछ बात आपको बोलूंगा, क्योंकि आप लोग आए हैं बोल, मेरा काम है सेवा करना। अभी मैं आप लोग इतना कीमती समय लेकर आया तो मेरा फर्ज बनता है। क्या हुआ, गलतियों के पत्र अभी तक नहीं निकल पाया कोई, इसका मतलब तुम लोग नहीं पढ़ रहे। शर्म करो तुम लोग नौजवानों, अगला बार जब आऊंगा नौजवान सब लोग, जेनेसिस से लेकर प्रकाशित सब लोग मुंह जवानी बोलेगा। मैं, मेरे मोबाइल देना भाई ने, जल्दी मेरा, हाँ ये पकड़ो। तुम लोगों को थोड़ा बहुत शर्म नहीं है, यही सिखाया आपका पास्टर ने आपको, आप बुरा नहीं मानना। बच्चा गलती करा तो बाप पे जाता ना, कोई गलती करा तो तुम्हारा बाप को नहीं पूछते नहीं। अभी तुम लोगों का ये हाल है तो किसका गलती है, ये किसका गलती है? वेरी गुड, सच्चाई बोला तू, सच बोला, वो हंसने के बाद नहीं, वो सही बोला। पास्टर जी अगर मेरी तरह मार मार के सिखाता ना आपको, अभी तक सब लोग आप बोलते अच्छी तरह बोलते। अच्छा जस्ट वेट, मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं आप लोगों को इंसल्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, आपको एनकरेज करने के लिए बोल रहा हूँ। बुरा नहीं मान रहे ना आप, बुरा मान रहे हो? नहीं नहीं, बुरा मान रहे क्या? नहीं। मानोगे भी तो क्या करोगे मेरा? मान लो, मेरे को क्या करना, मेरे को तो सच्चाई बताना, बुरा मानो तो क्या होगा, मेरा क्या जाता, नुकसान तुम्हें को है ना। अच्छा चलो, बी फ्री, ठीक है। अभी वचन को सीखना कि मतलब चाहता है क्या प्रभु, क्या चाहता है। मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ कि बच्चों को बचपन से ही शिक्षा देना है, नौजवानों को ही बचपन से ही शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है कि नहीं, कर्तव्य है या नहीं? हाँ या ना? हाँ। अभी तो जवान नहीं निकलना, बोलेगा कब मारेगा ये, अभी ऐसा नहीं मारूंगा मेरे प्यारो, मैं आप लोगों को प्यार करता हूँ, आपके लिए दुआ करूंगा, आपके लिए रोऊंगा, मैं मारूंगा नहीं, आपको उठाने के लिए आया हूँ, आपको मारने के लिए नहीं, ठीक है? ऐसा बोला ताकि थोड़ा सा आप लोग डर जाओगे, लेकिन आप डर ही नहीं रहे। अच्छा फ्री नाउ, क्योंकि नौजवान लोग परमेश्वर को चाहिए, नौजवान लोग परमेश्वर को चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए। क्योंकि ना अभी तो बोला ना, जो जवानी में जो ताकत है बुढ़ापे में नहीं रहेगा, है कि नहीं? अभी आप लोग जो पहाड़ चढ़ सकते हैं, मैं तो नहीं चढ़ सकता, है कि नहीं? आप पहाड़ के ऊपर भी जा सकते हो, मैं तो नहीं जा सकता ना। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा शर्म आ जाए। आपको क्या आना है? शर्म आना है। अभी ये देखते रहना, सिस्टर जी,
भी सब लोग आप लोग भी यही प्रार्थना करो. धन्यवाद. परमेश्वर पिता भलाए सिखोनो यीशु मसीह के नाम से. आमेन. क्या सिखाना है? मत्ती से लेकर सब कुछ. वो सीख गया तो हम नहीं सीख सकते. अभी अगर आप लोग पहले निकाल के पढ़ता तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता. बच्चा जब सीख सकता आप तो नौजवान हो, यूथ मीटिंग में जाता, आप जाके बाहर पत्र करते हो. मैं बोल रहा हूँ गलती का पत्र निकालो तो बड़ा गलती हो गया. चलो निकालो गलतियों का पत्री 5:17. चलो वी ट्रीट द यूथ. हालेलुया. डरो नहीं. अभी आप तो बड़ा दुखी है. चलो कम ऑन. गलतियों की पत्री 5:17. चलो नाउ लेट अस बी सीरियस नाउ. ओके. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा का विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरुद्ध है, ये एक दूसरे के विरुद्ध है. इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ. हालेलुया. अरे ये तो बाइबल में ही लिखा है. ये नया चीज नहीं. हम जो परेशान हो रहे हैं, जो करना चाहते हम नहीं कर पा रहे ना. हम अच्छा रहना चाह रहे, पवित्र रहना चाह रहे, नहीं हो रहे. हमसे गलतियां हो रहे, पाप हो रहा है, तो है ना. तो ये नया चीज नहीं है. वचन में ही लिखा है. ये एक दूसरे के विपरीत है. परमेश्वर ने खुद जानबूझकर हमारे अंदर ये लड़ाई रख दिया. इसी को लेके मैं एक और दिन बैठ के बड़ा रो रहा था प्रभु को. मैं पाप बिल्कुल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हो जाता है. आज हम वहां भी पढ़े थे. अच्छा तो मैं करना चाहता हूँ, वो भी पढ़िए. अच्छा रोमन्स 7. क्योंकि जब हम परमेश्वर को वचन देख ही रहे हैं तो हम ये वाला वचन भी पढ़ते. रोमियो की पत्री 7:15. चलो फटाफट निकल दे. शिवाज जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, उसको नहीं चाहता. ठीक है, वो जानता नहीं, चाहता. क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता. परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ. आगे पढ़ो. यदि मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है. तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वर्ण पाप है. अभी हमारे अंदर ये पाप है. हम लोग नहीं कर रहे. हम चाह रहे अच्छा करना लेकिन नहीं हो पा रहे. हम घृणा कर रहे. चलो कुछ लोग घृणा नहीं करते, कुछ लोग जानबूझ के कर रहे, वो अलग बात है. जो पाप को प्यार करते हुए करते उनको तो फर्क नहीं पड़ता, वो चाहते हैं कि पाप करे. लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो पाप. हंसना नहीं, मैं मारूंगा. तो पहले हाथ नहीं चकर. मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो पाप नहीं करना चाहता है लेकिन पाप हो रहा है. कुछ लोग तो पाप करना चाह रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो पाप में एंजॉय कर रहे हैं. उनके लिए वचन जरूरत नहीं, जब वो मुड़कर आएगा तब. लेकिन जो यूथ मीटिंग में आ रहा है, इसका मतलब क्या? आप लोग गलती नहीं करना चाहते हो लेकिन गलतियां तुमसे हो रहे. मैं सच बोल रहा हूँ या जबरदस्ती आप लोगों को गलत फैर रहा है? ये सब कंडीशन सबके साथ है. अरे कंडीशन हमारे साथ भी है. क्या बोल रहे हैं? डर क्यों रहे? हर कोई पाप नहीं करना चाहता, पाप हो तो क्या करना है इस समय में. इसीलिए मैं एक दिन बैठ के बहुत रो रहा था प्रभु से. प्रभु मैं पाप नहीं करना, प्रभु ये पाप आखिर आपने रखा ही क्यों है? आप पाप क्यों रखा करके बहुत रोया मैं. एक गाड़ी में, मैं जब फौज में था, हमारा एक व्हीकल में सब कुछ इक्विपमेंट रहता है, इलेक्ट्रॉनिक, जो जहाज से बात करने वाला, वो गाड़ी के अंदर जाके दरवाजा लगाया. मैं रो रहा था, प्रभु आखिर तूने पाप क्यों रखा है. बहुत देर प्रार्थना करने का पवित्र आत्मा बोला. मैं तब तक पवित्र आत्मा पाया था, इसके बाद भी ये लड़ाई इतना गंभीर हो गया शरीर आत्मा का कि अब मैं उसे बाहर आना चाहता हूं. तो मैं बहुत रोया. फिर प्रभु तूने पाप क्यों रखा? परमेश्वर बोला, मैं तुझे प्यार करता हूं इसलिए तुम्हारे अंदर पाप रखा. सब लोग बोलो, प्रभु क्या बोला? मैं तुझे प्यार करता हूं इसलिए तुम्हारे अंदर पाप को अनुमति दिया. ऐसा प्रभु बोला. मैं बोला ऐसा कैसी बात है?
प्यार करेगा तो पाप को कैसे, तो इसलिए बोला कि प्रभु, फिर बाद में बोला तेरे अंदर पाप को इसलिए रखा ताकि तू अपने आप इस पाप के ऊपर जय पाकर मेरी तरह बन जाओ। आमीन। हालेलुया। हमको प्यार करता इसलिए परमेश्वर चाहता है हम इस पाप से जय पाकर यीशु मसीह के समान बन जाए। यह है सच्चाई। ये पापी नहीं है तो तुम क्या लड़ोगे, क्या किसमें ऊपर जय पाओगे? प्रकाशित वाक्य निकाल। अब समझ में आ गया अभी लड़ाई क्यों है हमारे अंदर, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? चलो ठीक है, प्रकाशित वाक्य का एक का विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया। 3:21 पढ़ो, रेवलेशन चैप्टर 3:21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हाँ, अभी प्रभु बोलता है जैसे तू जय पाएगा तो मेरे सिंहासन पे बैठाऊंगा। तो अभी हमारे अंदर पाप रहेगा तो हमारे लिए फायदा है या नुकसान है? फायदा है। तू कहा इधर ही आए, तू सुन रहे या नहीं? हाँ, तू अभी ये जब तक ये शर्ट को लेगा ये समझ में नहीं आएगा तेरे को, बातें तेरे ड्रेसिंग स्टाइल वचन के अनुसार होना है, ठीक है? सबके सामने बोलो, डोंट माइंड। हाँ, माइंड करेगा तो मैं क्या करूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पाप हमारे अंदर ये फायदा का है या नुकसान का है? फायदा का है। क्यों? हम इसके ऊपर जय पा सकते, इसके बाद जाकर परमेश्वर यीशु मसीह का सिंहासन पर बैठ सकते। हालेलुया। जब अगर ये नहीं है तो किस पे जय पाएगा? अब समझो, तेरे को अभी आपको अच्छी तरह समझाता, आप तो यंग है, स्पोर्ट्स भी खेलते होंगे, बॉक्सिंग जानता है? किसी को आता है बॉक्सिंग करना? अच्छा, करेंगे। चलो चलो, नाउ लेट्स कम बी सीरियस, ठीक? बीच में ऐसे जोक क्यों कर रहे हो मेरे भाई लोग, आपको अच्छी तरह समझना। अगर मैं मेरा बेटा को जिताने के लिए बॉक्सिंग ग्राउंड में लेके गया, सबको बुलाया, मेरा बेटा को अकेला उतारा, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जीते और वो एक मेडल लेता है, गोल्ड मेडल, मैं इसको अकेला उतारा ताकि वो जीते, उसको सामने अपोजिशन में कोई नहीं है, मैं चाह रहा था उसको जीतना है, इसलिए अपोजिशन किसी को लाया, इसको मैं उसका हाथ निकाला, बोला देखो मेरा बेटा जीत गया गोल्ड मेडल इसको दूंगा। सब लोग क्या बोलेंगे? पागल बोलेंगे, ये तो गलत है, ये कौन सी लड़ाई है, ये कौन सी बॉक्सिंग है, अकेला वो खुद आया और अकेला बोले जीत गया। अगर सच में अगर मैं असली पिता हूं, उसका बाप हूं, मेरा बेटा को अगर जीते हुए देखना है, सबसे टफ कंटेस्टेंट को लेकर आऊंगा, सबसे टफ कंटेस्टेंट को लेकर आऊंगा, मैं रिंग में उतरूंगा, मैं बोलूंगा बेटा मैं पीछे हूं, तू लड़। तब वो मेरे हिम्मत को देख के लड़ लड़ के उसको मार मार कर छूर कर देता। इसी तरह हमारे जिंदगी में परमेश्वर पाप को दिया ताकि तुम लड़कर जय पाओ। यही सच्चाई। इसलिए ये हम अपने आप से नहीं कर सकते, इसलिए पवित्र आत्मा का शक्ति की जरूरत है, इसलिए प्रभु पवित्र आत्मा को दिया हमको ताकि पाप से लड़कर जय पाना, हम अपने से नहीं कर सकते ये काम, इसलिए ये जो मनुष्यों को संभव नहीं है वो परमेश्वर से संभव है। कैसे? उसकी आत्मा की शक्ति लेके पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तू सहायता कर, तू मुझे शक्ति दे, तब प्रभु तुमको उससे बाहर आने के लिए कृपा देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे आने वाले दिनों में, और आप लोग वचन सीखो, और एक नौजवान पाप में नहीं पड़ना है तो वचन में एक चीज लिखा है कि नौजवान कैसे अपने चाल चलन को कैसे अच्छा सा रख सकता है। थोड़ा सा हम एक वचन देखेंगे फिर प्रार्थना करते हैं, ठीक है? बस मुझे जो बोलना था आपको बता दिया। भजन संहिता 119:9।
भजन संहिता 119 का नाव साइम्स 119 नाव पढ़ बेटा। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जवान जो जोर से पढ़ो। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जवान कैसे अपने चाल चलन को शुद्ध रखे, यही तो हमको चाहिए। हमारा चाल चलन को शुद्ध रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हम, तो कैसे रखे करके इधर लिखा है। वो पढ़ो उसका जवाब। वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। नहीं अभी आप पढ़ो 119 का नाम आप पढ़ो। जवान अपनी चाल को, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध कर रखे। हाँ वे तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। बस तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। अब जैसे अब आपको और अच्छी तरह समझा देता हूँ। आपको पता है आपके घर के सामने से जा रहे तो एक पागल कुत्ता है, मतलब कुत्ता है पागल भी नहीं समझो, वो सबको काटता है, मतलब वचन है जो। फिर कुछ कुत्ते क्या जाते तो एकदम आ जाते प्यार से, हम ऐसे ऐसे करते टॉमी टॉमी कैसे, वो आराम से को नया भी आया तभी करते, लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे होते काटते। तो जब हम जा रहे तो जैसे घर से निकलेंगे हम आराम से जाएंगे, हमको पता है कि वहां पे वो कुत्ता है जो काटने वाला, हम आराम से जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, संभल के सावधान से जाएंगे, कहीं काट ना दे, है ना। इसी तरह हमको भी वचन के अनुसार, वचन को दिल में भर के कहीं मैं पाप में ना गिरो, प्रभु कृपा दे करके जब भी उठे मैं जा रहा हूं बाहर, प्रभु तू तेरी सुरक्षा दे, मैं पाप पर इस जगत पे जा रहा हूं तू मुझे रक्षा कर करके सावधानी से वचन में ऐसा बोला नहीं। जैसे फ्रेंड्स जैसे नौजवान, अरे यार चलो एंजॉय कर, तुरंत बोला नहीं दुष्ट की संगति नहीं करना करके वचन में लिखा है, अंदर से वचन आएगा ठीक है नहीं मैं नहीं आऊंगा, ठीक है पढ़ाई करेंगे ठीक है, फिल्म विल्म नहीं देखना या फालतू की जोक्स नहीं करना, ऐसा जब वचन आएगा तो हमारा चाल ठीक रहेगा नहीं, अच्छे लोगों का संगति करेगा तो अच्छा हो जाएगा, पवित्र लोगों का संगति करेगा तो पवित्र रहेंगे, दुष्ट का संगति करेगा दुष्ट हो जाएगा। अभी वचन सीख रहे तो वचन में बढ़ेंगे, संसार का सीखेगा तो संसार में बढ़ेंगे, क्या चाहिए आपके ऊपर है। इसलिए प्रभु हमारे अंदर पाप को इसलिए दिया ताकि हम जय पाए पाप के ऊपर और उसकी समान बन जाए, कितना प्यार करता है। तो ऐसे ही पाप हमारे अंदर नहीं रखा, इसका भी एक कारण है, ये हमारा पाप का इसलिए मैदान में उतार दिया। अभी आपको कभी कभी लगता है कि हम गिर रहे। और एक छोटी सी बात बताता हूं, एक बंदा है बाहर बैठा है, एक बंदा रोज जाके बॉक्सिंग कर रहे ट्रेनिंग के लिए, एक मोटा सा बंदा आया उसको बार बार मारता गिराता है। तो ये बाहर बैठ के बोलता है हंस रहा है, अरे तू तो आज भी हार गया। फिर अगला ऐसे जा रहे सालों हो रहे, वो गिर रहे अब गिर के उनके उसका मार खा के क्या हुआ, एकदम टफ हो गया, कैसे हुआ स्ट्रांग हो गया, वो मार खाया फिर अच्छा सा खाया, वो बोला बढ़ गया। वो बाहर वो हंसता ही रहा। एक दिन जब बोला कि अभी आज ये लगाते टूर्नामेंट लगाते बुलाओ इसको, सबको भी बुलाओ, तो इतना दिन हंस रहा था ना, फिर बुलाया। इसके बाद जैसे वो हर दिन की तरह जब वो आया, ये इतना दिन ट्रेनिंग लिया ना, निकाल के एक दिया, एक ही शॉट पर गिरा दिया। हालेलुया आमेन। अभी बाहर जो बैठ रहा था उसको क्या पता था। इसी तरह हम लोग गिर के उठते कोई बात नहीं, लेकिन हम लड़ाई तो कर रहे। आमेन। बहुत लोग तो मैदान के बाहर है। समझ गया मसीह लोग, हम क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को चाहते हैं। इसलिए आप लोग चिंता नहीं ना, कभी गिर जाते हो कभी पाप हो जाता है, तुरंत आके आपका अगुआ को बोलो मेरे लिए प्रार्थना करो, छिपाना नहीं, क्योंकि जितना छिपाएगा पाप में शैतान घुस के और बर्बादी करेगा। अगर कुछ देखो इसके लिए और भी बताता हूं, कोई बात नहीं समय जाने दो। जैसे आदम हव्वा ने पाप किया तुरंत कहां छिप गया, पेड़ झाड़ियों के नीचे। वो सीधा वो पूछ रहे आदम तू कहां है, क्या परमेश्वर को नहीं मालूम तू कहां है। लेकिन प्रभु भी प्यार से बुला रहे, पाप करते हमको छिपने का हो जाते हैं, अब अंदर ही अंदर डरते रहते, इसे पाप रहने से छिपा रहे, बोलो फिर से हो गया ना, चलो हो गया, किसी दोस्त को या जो अच्छे है, ये नहीं कि जो सबको बताएंगे उनको नहीं, प्रार्थना करो मैं इससे बाहर बैठ के रो, प्रभु गलती हो गया माफ करो, मैं नहीं चाहता हूं लेकिन ये मेरे से हो रहा है। तब प्रभु शक्ति देगा नहीं देगा बताओ।
अगर हम सच्चाई से अगर हमारे पापों को मानेगा, वचन में लिखा है पहले योहन्ना में, यदि तुम पाप तुम अपने पापों को मानेगा, यीशु मसीह का लहू हर पाप से तुम्हें शुद्ध करने के लिए, निकलो पहले योहन्ना फर्स्ट सेवन, सेवन एंड एट, चलो फर्स्ट जान आखिरी में मेरे भाई ना रेवलेशन से पहले फर्स्ट जान One, seven and eight. Okay, the blood of Jesus. First, John, क्या हुआ? तू English का पढ़ता है ना? चलो ठीक है, छोड़ दो. Seven and eight. हाँ, पढ़ो. First, John, chapter first, seven and eight. पहले योहन्ना का पत्री एक अध्याय. पर यदि जैसा वह ज्योति में है हाँ, वैसे ही हाँ, हम भी ज्योति में चले हाँ, तो एक दूसरे से हाँ, सहभागिता रखे, जैसे वो ज्योति में मतलब परमेश्वर ज्योति में है, हम भी ज्योति, इधर देख तो अभी क्या ढूंढ रहे, तो जैसे वो ज्योति में है हम भी ज्योति में रहेगा, तो एक दूसरे से सहभागिता रखे हाँ, आगे और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आगे यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं, सच नहीं हाँ, नौ भी यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हमारे अपने पापों को मान ले तो वो पढ़ो तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से अशुद्ध करने, अशुद्ध करने या शुद्ध करने में डर रहे, देखो डर काम रहा है अभी वचन पढ़ने के लिए, ठीक है अभी आपका ट्रेनिंग है इसलिए आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको ये डराना चाहिए, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमारा पापों का मान ले वो मारेगा नहीं, अब बाप के पास आके अगर बोलेंगे इधर आओ, अभी कप तोड़ना अच्छा नहीं है लेकिन कप लेकर आओ, तोड़ूंगा नहीं ठीक है, नहीं तो तोड़ के भी दिखाना चाहता हूँ लेकिन आई डोंट वांट टू वेस्ट इट, ठीक है इधर आओ, जैसे भाई कुछ काम करो ये ऐसे नीचे गिर के टूट गया, अब मैं बाप पापा के पास आया, पापा पापा कप टूट गया तो मारेगा, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अरे टूट गया ना, अरे कोई बात नहीं तू काम करते टूट गया ना, खेलते हुए टूट गया फिर